यह बात 1909 की है। हेनरी और जॉर्जियाना पिटॉक ने अपने आखिरी समय में अपना सपनों का घर बनाने का फैसला किया। दुर्भाग्य से वो बस कुछ ही साल इस घर में रह पाए, क्योंकि 1918 में जॉर्जियाना की और 1919 में हेनरी की मौत हो गई और ये बिल्डिंग अब अपने अजीबोगरीब घटनाओं के लिए बस एक पब्लिक लैंडमार्क बनकर रह गया है। जैसे घर से गुलाबों की गंध आती है, हेनरी के बचपन की फोटो एक कमरे से दूसरे कमरे में अपने आप चली जाती है और कुछ अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती है। लोग ऐसा कहते हैं कि हेनरी और जॉर्जियाना की मौत उनके लिए इस घर को छोड़ने के लिए काफी नहीं थी,